हेलो दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो कि बहुत से बड़े छोटे उल्का पिंडों का एक समूह है। ये हमारे सूरज का चक्कर लगातार लगाते रहते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारे मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में मौजूद है। इसमें लगभग 20 लाख उल्का पिंड है जिनका साइज 1 किलोमीटर से बड़ा है और 1 किलोमीटर से छोटे वाले तो करोड़ों है। ये एस्ट्रॉइड्स हमेशा सोलर सिस्टम के अलग अलग प्लैनेट्स और उनके मून से टकराते रहते हैं और उन पर तबाही मचाते रहते हैं और इससे हमारी अर्थ भी बच नहीं पाती। एस्ट्रॉइड से बड़े बड़े शहर, देश तो क्या, पूरे प्लेनेट के सभी देशों में तबाही मच सकती है। आपको ये तो बखूबी पता होगा कि हम इंसानों से पहले अर्थ पर डायनासोर का शासन था और ये काफी बड़े जीव आज से 6.5 करोड़ साल पहले लुप्त हो गए। इसकी वजह थी एक लगभग 10 किलोमीटर लंबा मीटियोर जो पृथ्वी से आकर टकरा गया था और इसकी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उस वक्त के 75% प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज पूरी तरह से खत्म हो गई। ऐसा दोबारा भी हो सकता है, तो आज मैं आपको इनके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप नए हैं तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो सोलर सिस्टम में यूं तो बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, पर कुछ उल्का पिंड पृथ्वी के आसपास ही अक्सर गुजरा करते हैं और इनमें हमारे ग्रह में तबाही मचाने की एबिलिटी भी होती है। इन्हें पृथ्वी के पास से गुजरने की वजह से नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जब ये किसी ग्रह से टकराते हैं तो उस पर इनके इम्पैक्ट की वजह से एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है जिसे क्रेटर कहा जाता है। ऐसा ही एक क्रेटर महाराष्ट्र की लोनार लेक है जो एक मीटियोर के टकराने से बनी थी। हमारे प्लेनेट पर अब भी लगभग ज्यादातर टाइम कोई ना कोई एस्ट्रॉइड आकर टकराते टकराते बच जाता है और काफी पास से निकल जाता है। इन पर नजर रखने के लिए नासा का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस। इसका मकसद होता है अलग अलग एस्ट्रॉइड्स पर नजर रखना और ये पता लगाना कि किसी से पृथ्वी को खतरा तो नहीं है, ताकि उससे बचने की कोशिश हमारी गवर्नमेंट्स कर सके। ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड है जिसके बारे में नासा ने अभी अभी वार्निंग जारी की है। इसका नाम है एस्ट्रॉइड 2020 ND जो 24 जुलाई को हमारे प्लेनेट के काफी पास से गुजरेगा। इसे नासा ने पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड्स की लिस्ट में रखा है क्योंकि ये पृथ्वी के काफी पास से गुजरने वाला है। पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड्स उन्हें कहा जाता है जो पृथ्वी के पास से गुजरे और कम से कम इतने बड़े हों कि अर्थ के बड़े एरिया में अच्छा खासा डैमेज कर सके, या फिर वो कम से कम 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या इससे कम की दूरी से पृथ्वी के पास से गुजर रहे हों। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, ये काफी पास से गुजरेगा। इसका मतलब ये है कि ये 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर 50,86,328 किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा। ये एस्ट्रॉइड 170 मीटर लंबा है। नासा में भी इंसान ही तो है, इसीलिए इनसे भी गलतियां कभी कभी हो जाती है और कभी कभी ये लोग नोटिस ही नहीं कर पाते कि कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी के पास से गुजर रहा है या नहीं। ऐसा ही हुआ था 5 जून 2020 को जब एस्ट्रॉइड 2020 ND हमारे प्लेनेट के काफी पास से, मतलब चांद के जितनी दूरी से गुजर गया था और अब लगभग 1.5 महीने के बाद वो फिर से वापस आने वाला है और इस बार भी ये प्लेनेट के काफी पास से गुजरेगा। लेकिन इस बार एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे नोटिस कर लिया है। इसकी स्पीड होगी 48,600 किलोमीटर पर आवर यानी कि लगभग 13.5 किलोमीटर की दूरी ये केवल 1 सेकंड में तय कर रहा है। वैसे तो ये एस्ट्रॉइड हमारे प्लेनेट के पास से गुजर जाएगा, पर अगर ये हमारे प्लेनेट से टकरा गया तो क्या हो सकता है, मतलब इमेजिन करके देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये आसानी से एक बड़े शहर को खत्म कर सकता है, पर खुशी की बात यह है कि ये हमारे ग्रह के पास से आसानी से गुजर जाएगा। ये एस्ट्रॉइड उतना बड़ा नहीं जितने बड़े एस्ट्रॉइड ने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया था। वो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था, यानी 2020 एनडी केवल 170 मीटर ही लंबा है, इसीलिए इससे हमें उतना भी खतरा नहीं है। नासा का मानना है कि इस तरह के एस्ट्रॉइड तो पृथ्वी पर अच्छी खासी तबाही मचा सकते हैं, पर इनके टकराने की संभावना हर साल 3 लाख में केवल एक ही होती है। लेकिन एक कार के साइज के एस्ट्रॉइड लगभग हर साल पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, लेकिन सरफेस तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही एक्सप्लोड हो जाते हैं और इनसे हमें कोई खास खतरा नहीं होता, इसीलिए नासा इन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। तो कुल मिलाकर
इस एस्ट्रॉइड से हमें खतरा नहीं है, पर अगर कोई एस्ट्रॉइड हमारे प्लेनेट तक आने लगे और उससे हमें खतरा भी हो तो इसके लिए नासा क्या करेगा, क्या नासा उसे रोक सकता है? ये जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इंड स्क्रीन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।